वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ, और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े की होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूं पिज़्ज़ा पेरी पेरी बाइट्स, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जल्दी से बता दीजिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पर मैंने जो है एक चिकन का फिले ले लिया था, उसको मैंने सिंपली नमक डाल के पानी में बॉईल कर लिया है और उसको श्रेड कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ले ली है ये बड़ी बड़ी जो चिली होती हैं, ये मैंने ली हैं तकरीबन 200 ग्राम के जितनी होगी। एक छोटी प्याज ले ली और उसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून के जितने मैंने ले लिए हैं ऑलिव, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिए है बेल पेपर, ये हाफ है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप पिज़्ज़ा में जो भी टॉपिंग करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून के जितना, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने चिकन को सॉटे करना है। इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये चिकन, इसको सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून के जितने, हस्बैंड जीरो डाल दूंगी नमक 1/4 टीस्पून के जितना डाल दूंगी ओरिगैनो, 1 टीस्पून के जितना डाल दूंगी सोया सॉस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसके अंदर जो स्टफ करेंगे वो हम चिली के अंदर ही करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाली है इसके अंदर। पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के। टेबल स्पून के जितना डाल दूंगी केचप, इसको फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो सारी जो मेरे पास चिलीज थी उसको मैंने इस तरीके से सीड्स निकाल दी अंदर से, तो एक मैंने छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए, तो उसको यहां से मैं कट लगाऊंगी। और इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं उसको निकाल दूंगी। अगर आपको हाथ में प्रॉब्लम हो तो, वैसे मैंने हाथ से ही निकाल लिए हैं और मुझे हाथ में मिर्ची भी लग रही है, आप इसको जो है नाइफ की नोक से या स्पून से भी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब इसके अंदर मैं ये वेजिटेबल्स मिला दूंगी। मोजरेला चीज़ डालूंगी मैं इसके अंदर, चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप डाली है मैंने, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ओरिगैनो मैं इसमें और डालूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा, 2-3 चुटकी के बराबर। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर से बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर से अरोमा आता है, इसको मिक्स कर लेंगे। इजी हो जाएगा ज़रा भरना, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं इसको। अच्छे से इसको दबा दबा के भर देंगे, एक्सेस निकाल देंगे। ये देखें इस तरीके से करते जाएंगे। तो सारी चिली जो है वो मैंने भर ली है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे, उसको मैं फेंट लूँगी और इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगी सिर्फ। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ले ली है ब्रेड क्रम, ये मैंने 1 कप लिए हैं भर के, और 1 कप ही मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। तो अब हमने जो है इसको सबसे पहले मैदे में कोट करना है इस तरीके से। अच्छा, जब मैं इसको फिल कर रही थी तो इसके अंदर जो सॉसेस वगैरह डाले हैं उस वो मेरे हाथ से जो है वो चिली के ऊपर लग रहे थे। तो ये देखें अच्छे से मैदा भी इसके ऊपर कोट हो गया है, बाकी जो है वो डस्ट कर लेंगे। और अब मैं डालूँगी इसको अंडे में, अच्छे से कर लेंगे इसको।
और फिर डाल दूंगी ब्रेड क्रम्ब में। इसकी डबल कोटिंग करेंगे हम। देखिए आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा इसको अंडे में डिप करूंगी और अगेन फिर ब्रेड क्रम्ब में। मैदा सिर्फ एक ही दफ़ा लगाएंगे। तो ये देखिए रेडी हो गई है, तो सारी इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखें सारी जो है पेरी बाइट्स तैयार हो गई हैं मेरी, और इतनी सारी कोटिंग करने के लिए मैंने दो अंडे और लिए थे, तो उसमें से बस ये इतना सा बचा है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्राई करूँगी अभी मैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्ती जो है वो हमारी पेरी बाइट्स बनके तैयार हो गई हैं। तो एक मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और एक रेसिपी मैं पहले भी जो है वो पेरी बाइट्स की अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो इस दफ़ा आप ये वाली भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा पेरी बाइट की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।